गाइस वेलकम बैक टू मैनिंग ब्लॉग। सबसे पहले आपको तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आए हुए हैं आप ताली ले रहे अपनी और वो पीछे अंकल नान लगा रहे थे। हमने उनको कह दिया हम नान आज हम खाएंगे नान चले इफ्तारी में। इफ्तारी में कह रहा हूँ सैरी में पहले दिमाग घूम गया रोजा रखने से पहले भाई। आपको डिश में आते हैं नान चले दही लस्सी और भाई घर वाला पराठा और मज़ा ही आता। अच्छा डॉ तुम चीज़ रोजा रखोगे? नहीं मैं रोजा ही चलिए अभी वक्त ही बताएगा तो रोजा क्या कह रहा हूँ मैं तो चेड़ी रोज़ा रखता है कि पूरा रोज़ा रखता है। चले मेरी आपको सुबह आपकी से मुलाकात होती है अब सारी करेंगे फिर रोज़ा रखेंगे फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। सुबह को व्लॉग से एक मिनट मिनट रहो ना ना अभी नहीं जाना तो सुबह को व्लॉग तो कंटिन्यू होगा लेकिन अभी इन्होंने एक नोटेक ही करने का सोचा है। ये एक मेन रोड है जो कि अभी थोड़ी खाली है। हाँ चलो करो मेन रोड पर डाल और वो एक सही वाला पोज दे दो थंबनेल के लिए। था अच्छा एक सही वाला पोज दे दो थंबनेल के लिए दोनों नहीं तो अच्छा तो जैसे हमें पहने दिए। गाइस अभी हम आ चुके हैं चने ले रहे हैं जैसा कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है मौलवी रियाज मुर्ख चले। ये ऐसे मज़े के होते हैं कि मुँह रात के 4 बजे सारी रात नहीं सोए यहाँ पर देखो सारा खाली है चौंक के वहाँ पर रमजान बाजार भी लग गया है। अभी सही तरह है नहीं ये पार्किंग एरिया है वो वहाँ से एंट्रेंस है अभी भी खुला हुआ है वहाँ से एंट्रेंस है अगर आपको नजर हैदराबाद कहाँ जाना है घर चले हैं बस अब हमने अब नान ले लिए अब हम सोच रहे हैं कि आपको घर ही जाके सही करेंगे फिर रोज़ा रखेंगे फिर आपसे चले गए। अब हम अपने खाने के लिए आखिरी चीज़ लेने आए हैं उसका नाम है दही। ट्रैफिक आ रही साइड पर राजू वो दही लेने आया मैंने अहमद को लेने भेज दिया है वो नज़र आ रहा है वो अहमद खड़ा हुआ है ग्रीन शर्ट में वो बहुत रश है तो देखते हैं हमें कब तक मिलता है फिर हम घर जाएंगे सुबह ब्लॉग कंटिन्यू होगा यहाँ पर ब्लॉग को करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट लेंगे तो गाइस फिर हमने सैरी करके रोज़ा रख लिया था तो अब हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं रोज़ा तो नहीं लग रहा लेकिन भूख जरूर लग रही प्यास नहीं लग रही लेकिन भूख लग रही है। दाऊद ने चिड़ी रोज़ा रखा था जैसे इसने कहा था उसने वो इफ्तार कर ली अपनी। अहमद तुमने कौन सा रखा हुआ है? मैंने रखा हुआ है फल रोज़ा भाई मुझे भी भूख ही लग रही है सबको भूख ही लग रही है घर में भाई देख के आई हुई है खुशबू से पेट भर रहा है। तो भाई सीन ये था कि हमारे घर में आनी थी 4 बजे देख तो हम सारे इसलिए बाहर आ गए कि हमें खुशबू से ना हमारी मत वजन नहीं और दाऊद ने तो खोल लिया दाऊद का बहुत जैसे ही आ गया हमारे साथ लड़ रहे हैं दोनों लड़ते नहीं हैं मजाक ही करते हैं छोड़ दो गिर गए यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं ना तुम लोगों ने। तो फिलहाल तो रोज़ा बहुत लग रहा है अब इफ्तारी करेंगे और कमेंट में बताना किस किसने पहले रोज़ा रखा ये आपने मुझे जरूर बताया क्या हो कैसे हो ठीक हैं कैसे होंगे भाई मैं सबका डर करता पबजी में रूम लगाओ पबजी में रूम लगाओ द बिगेस्ट नूब ऑफ द पबजी इज दाऊद सही में मेरी आईडी है मेरी आईडी पता नहीं क्या है लाइक इनक्स दाऊद शायद लाइक एन एक्स आउट। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इफ्तारी के वक्त या फिर जब देख बांटेंगे तब हम मुलाकात करेंगे। बताओ तुम तो मेरे पास ही हो वो अहमद भैया रूम में और आज ये देखे पब्लिक पार्क पब्लिक बहुत गरीब लोग हमारे पास आके बैठे हैं बाबूजी बांगड़िया बाबूजी फैसलाबाद। तो उस दिन हमने उधर क्रिकेट खेली थी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वो भी ये अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वो भी देखना वो भी बहुत अच्छा बना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना डिस्क्रिप्शन है चुटा ले तो अभी के लिए चलते हैं घर क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ तो थोड़ी थोड़ी धूप और मुझे तोले से झूले ले और थोड़ा सा हाथ से लगा हुआ है नहीं वो अंकल बोतली कौन से बैठे हुए हैं वहाँ नहीं तो अब चलते हैं घर। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इसका होगा कि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँ।
अब मैं घर ही जा रहा था तो अहमद ने कहा मैं कुछ छूट लेता हूँ, आप लोगों के घर जाते हुए देखते हैं वो कैसे के छूट लेता है। चले